दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या समय सचमुच असली है या यह बस हमारी बनाई हुई चीज है? जैसे सच में यह बहुत असली लगता है ना? हम इसे हर दिन अनुभव करते हैं, लेकिन फिर ऐसे दिमाग हिला देने वाले सिद्धांत हैं जो आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। जरा सोचो, हम घड़ियों और कैलेंडर से समय मापते हैं। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे को हम इन यंत्रों के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं। हम अपने अतीत की घटनाओं को याद करते हैं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हम समय को फिसलते हुए महसूस करते हैं, खासकर जब समय कम होता जा रहा हो। जैसे रेत घड़ी में रेत के कण धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, वैसे ही हम समय को बीतते हुए देखते हैं। यह हमारे जीवन में एक स्थिरांक है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक समय का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हम समय को जन्म से मृत्यु तक एक रैखिक प्रगति के रूप में अनुभव करते हैं। यह एक यात्रा है जिसमें हम विभिन्न पड़ावों से गुजरते हैं। हम इसे एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं जो आगे बढ़ रही है। यह रेखा हमें हमारे अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर ले जाती है। हम अतीत को याद करते हैं और भविष्य का अनुमान लगाते हैं। पुरानी तस्वीरें हमें हमारे बीते हुए समय की याद दिलाती हैं और योजनाकार हमें भविष्य की तैयारी करने में मदद करते हैं। समय की यह धारणा हम में इतनी गहरी है, यह हमारे सोचने के तरीके, हमारे कार्यों और हमारी दिनचर्या को प्रभावित करती है। यह हमारी दिनचर्या, हमारे लक्ष्यों, दुनिया के बारे में हमारी पूरी समझ को आकार देती है। हम अपने लक्ष्यों को समय के अनुसार निर्धारित करते हैं और अपनी दिनचर्या को उसी के अनुसार ढालते हैं। लेकिन क्या होगा अगर समय के साथ हमारा रोज का अनुभव बस यही है, एक अनुभव? जरूरी नहीं कि यह अंतिम सच्चाई हो। क्या समय की हमारी समझ वास्तव में वैसी ही है जैसी हम सोचते हैं? अब थोड़ा वैज्ञानिक बनते हैं। भौतिकी, ब्रह्मांड और उसके नियमों का अध्ययन समय के बारे में बहुत कुछ कहता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय निरंतर नहीं है। आइंस्टीन ने अपने इस सिद्धांत से हमारा दिमाग हिला दिया। उन्होंने कहा कि समय सापेक्ष है, जिसका अर्थ है कि यह इस आधार पर तेज या धीमा हो सकता है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सुनो, समय अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, जो स्पेस टाइम नामक एक ताना बाना बनाता है। कपड़े की एक विशाल चादर की कल्पना करो जो मुड़ती और झुकती है, वो है स्पेस टाइम। ग्रह जैसी भारी वस्तुएं इन वक्रों को बनाती हैं और यही हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। रुकिए, ये और भी अजीब होता जाता है। समय को चौथा आयाम माना जाता है। हम तीन आयामों के अभ्यस्त हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन समय इस अतिरिक्त आयाम की तरह है जिससे हम हमेशा गुजर रहे हैं। इसे इस तरह समझें, आप आगे और पीछे, बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे जा सकते हैं। वो हुए तीन आयाम। लेकिन समय के साथ आप हमेशा अतीत से भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर समय एक आयाम है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सैद्धांतिक रूप से इसके माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, जैसे हम अंतरिक्ष में घूमते हैं? खैर, ये तो समय ही बताएगा। भाग 5, समय पर दार्शनिक दृष्टिकोण। अब सदियों से दार्शनिक समय की प्रकृति पर बहस करते रहे हैं। कुछ जैसे इम्मानुएल कांट का मानना था कि समय मानवीय धारणा का एक मूलभूत पहलू है, न कि वास्तविकता की एक वस्तुनिष्ठ विशेषता। एक विशेष फिल्टर वाले चश्मे पहनने की कल्पना करो। फिल्टर समय का प्रतिनिधित्व करता है और ये आकार देता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। कांट का समय के बारे में कुछ ऐसा ही मानना था। अन्य जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक पार्मेनाइड्स ने तर्क दिया कि समय एक भ्रम है। उनका मानना था कि केवल वर्तमान क्षण ही वास्तव में मौजूद है। अतीत चला गया, भविष्य आना बाकी है, इसलिए हमारे पास वास्तव में जो है वह है अब। भाग 6, समय का प्रवाह, एक भ्रम। यहां एक विचार है, क्या होगा यदि समय के बहने की अनुभूति बस यही है, एक अनुभूति? क्या होगा अगर यह सब कुछ हमारे दिमाग का एक खेल है, एक तरह का मानसिक भ्रम? क्या होगा अगर वास्तव में सभी क्षण एक साथ मौजूद हैं और हमारी चेतना बस उनके माध्यम से एक स्पॉटलाइट की तरह घूम रही है, जैसे कि हम एक विशाल मंच पर हैं और हर क्षण एक अलग दृश्य है जो पहले से ही वहां है, बस हमारी नजरों में आने का इंतजार कर रहा है। फिल्म रील के बारे में सोचो। एक फिल्म रील में सभी फ्रेम पहले से ही मौजूद होते हैं। फिल्म के सभी फ्रेम पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन प्रोजेक्टर एक समय में एक फ्रेम पर प्रकाश डालता है, जिससे गति का भ्रम पैदा होता है। यह एक तरह का जादू है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समय वास्तव में बह रहा है। इस विचार को शाश्वतवाद कहा जाता है और यह एक ऐसा दिमाग हिला देने वाला विचार है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है।
यह विचार हमारे समय की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। इसका सुझाव है कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सभी समान रूप से वास्तविक हैं और एक ही समय में घटित हो रहे हैं, इसका जो भी अर्थ हो। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय वास्तव में एक रेखीय प्रवाह है या यह कुछ और ही है, कुछ अधिक जटिल और रहस्यमय। भाग 7, अब की अवधारणा। एक और उलझन भरी बात है अब की अवधारणा। हम सभी के पास अब वर्तमान क्षण की एक सहज ज्ञान है, लेकिन जरा सोचिए, आपका अब मेरे अब से अलग है। और अगर हम लाखों मील दूर हो रही घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो अब की अवधारणा और भी फिसलन वाली हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी मित्र को एक अलग समय क्षेत्र में कॉल करते हैं। जब आप नमस्ते कहते हैं तो यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं, उनके लिए यह एक अलग समय हो सकता है। तो क्या कोई सार्वभौमिक अब है जिसका अनुभव हर कोई एक साथ करता है, या यह सब सापेक्ष है, या आपके दिमाग को हिला देने के लिए काफी है? भाग 8, समय यात्रा। तथ्य या कल्पना, समय यात्रा एक ऐसा विचार जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। दिमाग हिला देने वाली अवधारणाओं की बात करें तो समय यात्रा के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो वैज्ञानिकों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को समान रूप से प्रेरित करता है। यह साइंस फिक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन क्या यह एक वास्तविक संभावना हो सकती है? क्या हम वास्तव में भविष्य में या अतीत में यात्रा कर सकते हैं? आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार समय यात्रा उतनी दूर की कौड़ी नहीं है जितनी यह लगती है। उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें समय और स्थान के बीच के जटिल संबंधों को समझने में मदद की है। याद है कैसे समय गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होता है? जब आप बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है। खैर, सैद्धांतिक रूप से यदि आप प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं या ब्लैक होल के पास घूम सकते हैं, तो आप समय को मोड़ने और संभावित रूप से अतीत या भविष्य की यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी है। बेशक विचार करने के लिए बहुत सारे विरोधाभास और व्यावहारिक चुनियां हैं, जैसे कि टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है। जैसे क्या होगा यदि आप समय पर वापस जाते हैं और गलती से अपने ही जन्म को रोक देते हैं। ये एक क्लासिक टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स है जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। लेकिन अरे, एक आदमी तो सपने देख सकता है ना? समय यात्रा के विचार ने हमें हमेशा से प्रेरित किया है और शायद एक दिन ये कल्पना से परे वास्तविकता बन जाए। भाग 9, हमारे जीवन में समय का महत्व। समय यात्रा एक तरफ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें ढांचा, उद्देश्य और तात्कालिकता की भावना देता है। यह हमें भविष्य के लिए योजना बनाने, अतीत से सीखने और वर्तमान क्षण की सराहना करने की अनुमति देता है। हम जन्मदिन, वर्षगांठ और छुट्टियां मनाते हैं, ये सब समय बीतने पर आधारित होते हैं। हम खुद को प्रेरित करने के लिए लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित करते हैं। हम यादों को संजोते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। समय एक रहस्य हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारे अस्तित्व को आकार देता है। भाग 10, तो क्या समय सचमुच मौजूद है? तो इतना सब कुछ होने के बाद क्या मेरा मानना है कि समय वास्तविक है? सच में मुझे यकीन नहीं है। यह उन बड़े अस्तित्वगत प्रश्नों में से एक है जिनका हमारे पास कभी भी कोई निश्चित उत्तर नहीं हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं क्या, शायद ये ठीक है। हो सकता है कि समय का रहस्य ही जीवन को इतना दिलचस्प बनाता है। ये सोचने, तलाशने, चे मार्वल करने की चीज है। चाहे वह एक भ्रम हो या वास्तविकता का एक मूलभूत पहलू, समय एक अनमोल उपहार है। तो आइए इसका अधिकतम लाभ उठाएं।